हेलो दोस्तों, बॉस कंपनी का 220 हैमर ड्रिल मशीन 720 वाट का मशीन है। ये मशीन आपको बाहर से कार्बन ओपन कर पाओगे। बहुत ही अच्छे मशीन है। आप ये मशीन बहुत ही इजी रिपेयर कर पाओगे। इसमें जो फिटिंग्स है ना, वो भी बहुत ही अलग है। तो मशीन किसी ने रिपेयर किया था, ओपन करके देखा, इसमें बहुत सारे जो पेयर पार्ट्स है टूट गया है और इसको ओपन अच्छे से नहीं कर पाया। मशीन फिटिंग अच्छे से नहीं हुआ है। तो थोड़ा घूमते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें लेफ्ट राइट काम नहीं हो रहा, देखिए एक साइड से चलन काम हो रहा है, क्या हुआ है देखना पड़ेगा। मशीन में चॉक होल्डर में सर्किलिप नहीं है, इजी बाहर हो गया है। धीरे धीरे करके मशीन को हम ओपन करते हैं। मैंने देखा इसमें जो रैचेट सेट है ना, जो बीट फिटिंग होता है, ये डैमेज हो गया है। इसमें हम बीट डालेंगे ना, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो आपके साथ हम शेयर करते हैं, एक बीट डाल के शेयर करते हैं। देखिए इसमें बीट हम डालेंगे ना, इसमें बीट बहुत ज़्यादा प्ले देखने को मिलते हैं। तो ऐसे चलने पर मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, अब बीट भी बाहर हो सकते हैं। तो वाइब्रेशन करने पर इसमें जो सर्किलिप था ना, ओपन हो गया। धीरे धीरे करके मशीन को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमें इसमें जो नॉब है, नॉब को ओपन करना है। जैसे 26 हैमर ड्रिल मशीन में नॉब को हम ओपन करते हैं, सेम टेक्निक से हम इसको ओपन करेंगे। बड़े से ओपन हो गया। नॉब पे जो पिन होता है ना, थोड़ा आपका लंबे दिखाई देते हैं। इसमें जो फिटिंग्स है कुछ अलग है। बड़े से ओपन हो गया है। इसमें हम हाथों से पेशाब देके जैसे ओपन करते हैं, ऐसे ओपन नहीं हो रहा है। मेरे को लगा मैंने स्क्रू बड़े से ओपन नहीं किया, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। फिर से मैंने इसको स्क्रू को खोलते हैं। खोलने के बाद धीरे से प्रेस करके ओपन करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे ताकत लगा लिया, ओपन नहीं हो रहा। तो दूसरे टेक्निक होता है, आपको लोहे का पत्ती लेके धीरे से टक्कर मारना है। धीरे से टक्कर मारने पर ओपन हो जाएगा। देखिए बड़े से ओपन हो गया है। मशीन में जो गियर का फिटिंग्स है थोड़ा अलग है, आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो इसमें जो टाल बेयरिंग है ना, इसमें कुछ फिटिंग्स आपको अलग देखने को मिलते हैं। तो आपको कैसे ओपन करना है, कैसे फिटिंग होते हैं, तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स जानकारी शेयर करेंगे। इसमें आपको बूस में जो फिटिंग्स है ना, अंदर वाला कुछ अलग देखने को मिलते हैं। इस वीडियो देख के आप ये मशीन को बहुत ही ईजी रिपेयर कर पाओगे। देखिए इसमें फिटिंग्स कैसे होते हैं। तो आपको इसमें टाल बेयरिंग बाहर करने के लिए आपको साइड में जो पिन है ना, पिन को ओपन करना है। तो घुमा के हम देखते हैं इसमें बड़े से मूव होता है नहीं होते हैं।
क्या हो गया? नर्स कुछ फिटिंग कर रहा था। देखिए इसमें ऐसे कुछ फिटिंग्स है भाई, इसका फिटिंग्स भी कुछ गड़बड़ है सर। इसको क्या हुआ है, ऐसे उड़ रहा है, इसको अंदर से डालना है। कैसे फिटिंग होता है आपको दिखाएंगे, ठीक है? इसका फिटिंग्स कैसे है तो इसको कैसे फिटिंग करना है, ठीक है? इसमें कुछ बहुत सारा सामान देखिए, इसमें स्ट्राइकर अंदर टूट के रह गया है, इसमें जंपिंग बूस्ट भी बाहर हो गया है, देखिए जंपिंग बूस्ट भी बाहर हो गया, और इसमें जंपिंग बूस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है, यहाँ से टक्कर मारे हैं, और ये भी ख़राब हो गया है, देखिए इसमें ख़राब हो गया है, ठीक है, अंदर से खुल गया है। तो इसका सेट भी हमें चेंज करना है, कंप्लीट सेट ही ख़राब हो गया मानो। ठीक है, धीरे धीरे करके मशीन को हम ओपन करते हैं। देखिए इसमें फिटिंग्स कैसे होते हैं, तो इसका फिटिंग्स ऐसे नहीं होते हैं, तो इसको आपको बाहर करना है, इसके अंदर आपको डालना है। तो पिन को हम बाहर कर लेते हैं, इसको ऐसे हमें अंदर डाल के इसको फिट करना है, ऐसे अंदर डाल के इसके अंदर स्प्रिंग बैठा के इसको हम फिटिंग करते हैं। इसका फिटिंग ऐसे होते हैं, तो गलत फिटिंग था, इसको सही करना है। फिटिंग्स आपको ऐसे रखना है, तो आपको पिन को ऐसे रख के इसको फिट करना है। इसमें जो फिटिंग्स दिया ना बहुत ही अच्छे हैं, और इसको आप इजी बाहर कर सकते हो, टाल बेयरिंग इजी बाहर हो जाएगा। इसमें जो गियर है ना इसको कम ज़्यादा करते हैं, इसमें हैमर नॉर्मल जो मोड होता है ना इसी से आपको इसमें गियर को चेंज करते हैं। तो ऐसे आपको इसको फिट करना है। कैसे ओपन करना है, इसको पिन को थोड़ा सा बाहर करके पुश करने पर फिट हो जाएगा, ऐसे आपको रखना है। उसके बाद दोनों पत्ती को गियर में ऐसे रखने के बाद पिन को इसके डालना है, तो बड़े से इसमें फिट बैठ जाएगा। ओपन भी ऐसे ही करना है, आपको पिन को पहले बाहर करना है, उसके बाद धीरे से ओपन कर लेना, दोनों इसके अंदर रहेगा, गियर बड़े से काम करेगा।
खराब हो गया, ये यहाँ से खराब हो गया, तो हम आपको जूम करके थोड़ा दिखाने को, ये वाला खराब हो गया, घूम गया, तो नीचे वाला बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम घुमा सकते हैं, इसको हम ठीक कर पाएंगे, ठीक है, इसको हम ठीक कर लेंगे, घुमा लेंगे तो ठीक है, दोनों साइड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको दिया है कंपनी ने, ठीक है, इसको हम देखेंगे। में बहुत सारे पेयर पास डैमेज हो गया, डैमेज होने का जो वजह है इसमें चिजल फिटिंग करके कटिंग कर रहा था, कंक्रीट कटिंग कर रहा था, उसी वजह से मशीन में बहुत ज़्यादा लोड देने पर इसमें जो पेयर पास है ना डैमेज हो गया। ये मशीन को ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ करेंगे तो जल्दी डैमेज नहीं होगा, बहुत ही अच्छे मशीन होता है, इसको हम रैपली यूज़ करने पर इसमें बहुत सारे जो पेयर पास है ना डैमेज हो जाएगा। सभी पेयर पास को हम अच्छे से साफ सफाई करके उसमें हमें चेक करना है कौन सा सामान डैमेज हुआ है। पिस्टन में जो पिन होता है ना, पिन में जो वॉशर रहता है वो थोड़ा गड्ढा हो गया है, तो उसमें दोनों वॉशर को भी हमें चेंज करना है, इसमें पिन भी चेंज करना है, पिस्टन भी डैमेज हो गया, पिस्टन भी चेंज करना है, यहाँ से टूट गया है। इसमें जो रैचेट सेट है इसमें कंप्लीट हमें चेंज करना है, यहाँ पे जो जंपिंग बूश फिटिंग होता है इसमें सरक्लिप होता है, सरक्लिप नहीं है तो इसमें कटिंग हो गया है, तो इसलिए इसमें जंपिंग बूश बाहर हो गया। सीधा प्रेशर पड़ने पर इसमें स्ट्राइकर डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर से काम किया है।
मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये होने का क्या कारण है? तो पीछे से हम इसको बैठाएंगे ना मशीन के साथ, तब पता चलेगा इसमें फिटिंग्स अभी ठीक से हो गया है। फिटिंग होने के बाद भी इसमें प्ले हो रहा है, तो आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए बड़े से फिट हो गया, फिटिंग होने के बाद इसमें आपको प्ले दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्ले रहेगा था, जब मशीन को हम चलाएंगे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो ये होने का कारण है, इसके अंदर जो रोलर बेयरिंग होता है वो ख़राब हो गया है। तब ऐसे होता है, इसमें रोलर बेयरिंग नहीं है, इसमें बूस्ट फिटिंग है। जो बूस्ट फिटिंग है इसको हमें हाइड्रोलिक प्रेस में प्रेस करके ओपन करना है। हाइड्रोलिक प्रेस में बैठा के हम इसको ओपन कर लेते हैं। बड़े से ओपन हो गया है। सभी मशीन में रोलर बेयरिंग देखने को मिलते हैं, बॉस कंपनी मशीन में आपको बूस देखने को मिलते हैं। थोड़ा इसमें बैंड हो गया है, इसको हम ठीक कर लेंगे। बड़े से बाहर होने के बाद आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए इसमें जब फिटिंग किया बहुत ज़्यादा प्ले लग रहा है, तो रैप यूज़ करने पर इसमें बूस्ट भी डैमेज हो गया है। तो इसमें बूस्ट भी हमें चेंज करना है। हमें रैचेट, स्ट्राइकर, इसमें बूस्ट, पिस्टन, जंपिंग बूस्ट, बहुत सारे पेयर पार्ट्स में डैमेज हुआ है, सभी पेयर पार्ट्स को हमें चेंज करना है। फिटिंग्स है ना ये थोड़ा ख़राब हो गया है। गियर को हम इसमें ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन करना है आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छे से देखिए।
गियर बड़े से ओपन हो गया है। इसमें जो फिटिंग्स है गियर में, आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ से इसमें ख़राब हो गया है, तो दूसरे साइड हम घुमा के इसको फिट कर सकते हैं। तो आपको कैसे ओपन करना है हम आपको शेयर किए हैं। इसमें गियर भी आप चेंज कर पाओगे। टाल बेयरिंग के अंदर आपको रोलर बेयरिंग देखने को मिलते हैं। इसमें जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छे हैं। मैंने देखा मशीन में जो भी फिटिंग्स दिए हैं बहुत ही अच्छे हैं, जल्दी डैमेज नहीं होते हैं। मशीन में आर्मेचर को हम ओपन करते हैं। इसमें कार्बन को हम पहले बाहर करते हैं। धीरे धीरे करके हम कार्बन कैप को बाहर करके आपके साथ शेयर करते हैं। आप बाहर से भी कार्बन कैप को ओपन कर सकते हो। मेरे हाथों पे ग्रीस था, इसी वजह से अच्छे से खोल नहीं रहा था। देखिए इसमें जो कार्बन का फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छे हैं। आप बाहर से भी कार्बन ओपन कर सकते हो, मशीन खोलने का जरूरत नहीं है। मशीन में जो फिटिंग्स दिए ना बहुत ही अच्छे हैं। बॉस कंपनी का जो भी मशीन होता है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छे होता है। उसमें फिटिंग्स भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको जो भी मशीन आप ओपन करते हो, मशीन के बारे में आपको जानकारी रहेंगे तो मशीन बड़े से ओपन कर पाओगे, नहीं तो इसमें बहुत सारे जो पेयर पसंद है डैमेज हो सकते हैं। मशीन जैसे ओपन होता है आपको ऐसे ओपन नहीं करना है। ओपन करने के लिए आपको थोड़ा देखकर ओपन करना है, धीरे धीरे करके आपको उसमें देखना है। बारीकी से आपको सभी पेयर पास को चेक करना है कैसे ओपन करना है। आपको अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के ओपन नहीं करना है। ओपन करने के लिए मैं कैसे ओपन करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बड़े से देखना है, उसके बाद आपको लकड़ी लेके धीरे से टक्कर मार के वाइब्रेशन से इसको ओपन करना है। धीरे धीरे करके आप हैमर से नहीं टक्कर मारना, लकड़ी से टक्कर मारना। तो धीरे धीरे करके लकड़ी से वाइब्रेशन करने पर इसमें गैप बनेगा। तो गैप बनने पर आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं डालना है, तो धीरे धीरे करके आपको ओपन करना है। आगे से बड़े से ओपन हो गया, पीछे से ओपन नहीं हो रहा। मैंने देखा इसको ओपन करने के लिए इसके बीच में दो होल है। होल में हम जो आउटर लॉक प्लस है इसको डाल के घुमा के हम इसको खोल सकते हैं। तो उसको खोलने के लिए इसको बनाया है। देखिए ऐसे हम इसको धीरे से इसको प्रेस करेंगे ना, बढ़िया से ओपन हो जाएगा। देखिए बढ़िया से ओपन हो गया। तो आपको फिटिंग्स को देखना है, देखने के बाद आपको इसको खोलने की जो टेक्निक कंपनी यूज़ की है उसी को अपना के आपको ओपन करना है। बढ़िया से ओपन हो गया। मशीन में जो फिटिंग्स है बहुत ही अच्छे हैं। तो धीरे धीरे करके हम कार्बन होल्डर ओपन करते हैं, आर्मेचर बाहर करेंगे तो आपके साथ शेयर करते हैं।
बड़े से बाहर हो गया है। आर्मेचर की जो फिटिंग्स था बहुत ही अच्छे हैं। मशीन में दो बैरिंग यूज़ किया है, बैरिंग का साइज है 608। मशीन ओपन करके मैंने देखा मशीन बहुत ही अच्छे है, इसमें जो फिटिंग दी है वो भी बहुत अच्छे है। बॉस कंपनी का सभी मशीन बहुत ही अच्छे होता है। बड़े से आप रिपेयर कर पाओगे। आज में जो भी पेयर पास दिए हैं मेरे को बहुत पसंद आया। इसमें जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छे है। इसमें जो डैमेज हुआ है ना, डैमेज होने का जो कारण है मशीन को बहुत ज़्यादा रफ यूज़ किया है। आर्मेचर फील्ड कॉइल देख के आपको लगेंगे मशीन नया है, ये मशीन एक साल हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करने पर इसमें बहुत सारे सामान डैमेज हो गया। देखिए मैंने जितने भी सामान हाथों में ले रहा है सभी सामान डैमेज हो गया है। सभी सामान को हमें चेंज करना है। मैंने ऑर्डर करेंगे तो आ जाएंगे, तो फिटिंग करके आपके साथ शेयर करेंगे।